2024 लोकसभा चुनाव में सबकी नजर बिहार पर है, जहां तेजस्वी और राहुल ने मिलकर दम लगाया है। लेकिन क्या तेजस्वी और राहुल मिलकर नीतीश कुमार और पीएम मोदी और उनके साथियों पर भारी पड़े हैं? सातवें चरण की वोटिंग हो गई है और शुरू हो गया है अनुमानों का दौर। तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और एबीपी लाइव सी वोटर का एग्जिट पोल भी आ गया है, जिसके अनुसार बिहार में एनडीए का जलवा बरकरार दिख रहा है। बिहार में किसे कितनी सीट मिली आपको बताते हैं। यहाँ पर एनडीए को 34 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 से 5 सीटें जा रही है, अदर्श के खाते में 0 सीट जा रही है। यानी कि अदर्श जो बड़े चेहरे थे जैसे कि पप्पू यादव, पवन सिंह, उनको यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नहीं दिखाया गया है सी वोटर के सर्वे में। आपको बता दें, अगर वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 52% वोट शेयर जा रहा है, इंडिया गठबंधन को 39% वोट शेयर मिल रहा है, वहीं अदर्श के खाते में 9% वोट शेयर मिल रहा है। तो ये है बिहार के 40 सीटों का एग्जिट पोल। आपको बता दें कि इस बार बिहार में एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और माले, ये पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, जिसे आप इंडिया गठबंधन भी कहिए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, पशुपतिनाथ पारस भी इसमें थे। तो ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तेजस्वी और पीएम मोदी दोनों नेताओं ने बिहार में खूब रैली की थी। तेजस्वी यादव तो 200 से अधिक रैलियां उन्होंने की। इसके बाद जो बिहार की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि क्या अनुमान है। अनुमानों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनडीए बढ़त लेती हुई दिख रही है। बाकी सही नतीजों के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा, ये मात्र एक अनुमान है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से बिहार की 40 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव जीत रही है? क्या निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह और पप्पू यादव के लिए भी कोई चांसेज हैं क्या? आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।